हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नवरात्रि के लिए गरबा बैंगल। और इस तरीके के बैंगल को आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग करवा चौथ के व्रत के लिए भी तैयार कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर रही हूँ कांच की दो बैंगल ली है मैंने, और दोनों बैंगल को फेविबोंड की हेल्प से चिपका लेंगे। और एक थोड़ा सा चौड़ा सा यहाँ मैं कड़े का लुक दे रही हूँ। कड़ा है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ गोटा पट्टी का। तो मैंने इस तरीके का गोल्डन कलर की गोटा पट्टी ली है, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। तो इसको हम गोटा पट्टी को हम यहाँ पर फेविबोंड की हेल्प से यहाँ पूरे राउंड में चिपका लेंगे। चूड़ियों को ये गोटा पट्टी से कवर कर लिया है। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बॉल चेन का, और बॉल चेन को फेविबोंड की हेल्प से हम यहाँ पर जो हमने बैंगल तैयार की है उसके सेंटर में राउंड में हम चिपका लेंगे। बॉल चेन को हम इस तरीके से बैंगल पर अच्छे से कवर कर लेंगे। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर येलो कलर के फैब्रिक फ्लावर्स, और ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। और फैब्रिक फ्लावर्स को यहाँ मैं फेविबोंड की हेल्प से बैंगल के सेंटर में चिपका रही हूँ। और इसी तरीके से हम और भी फ्लावर्स को चिपका लेंगे। यूज़ कर रही हूँ येलो कलर के पॉम्पॉम। आप कोई और कलर के पॉम्पॉम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने जो पॉम्पॉम वाली लेस ली थी उसमें से मैंने ये निकाल लिए थे। तो पूरी की पूरी बैंगल को हम ये पॉम्पॉम के जो लेस से मैंने निकाला है उससे हम कवर कर लेंगे। क्योंकि जो बैंगल्स हैं आप नवरात्रि में गरबा के लिए, और करवा चौथ का व्रत भी आने वाला है, तो आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंगली कोई भी मैचिंग का आप इस तरीके की बैंगल्स तैयार कर सकते हैं ईजिली घर पर। अब फ्लावर्स और पॉम्पम की जो हमने लेस लगाई है उसमें हम छोटे छोटे ट्रायंगल शेप के जो मिरर हैं मैं उसमें वो लगा रही हूँ। और आप कोई भी जरकन या स्टोन भी आप लगा सकते हैं। पूरी बैंगल को लेस से अच्छे से कवर कर लेंगे। और यहाँ मैं ट्रायंगल शेप के मिरर का यूज़ कर रही हूँ। हमारी बैंगल जो है वो तैयार हो गई है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ एक बॉल चेन के नीचे इस तरीके का एक मैंने पॉम्पम जो है लेस का जो लटकन मैंने निकाल के बॉल चेन के साथ अटैच कर दिया था। तो इसको हम बैंगल के साथ नीचे कवर कर लेंगे। बॉल चेन को मैंने यहाँ पर फेविबोंड की हेल्प से चिपका लिया था। और ये जो फ्लावर्स हैं ये बैंगल को आप सुई धागे से भी तैयार कर सकते हैं। के लिए हमारी ये बैंगल बिल्कुल रेडी है। तो आप इस तरीके से आप दो बैंगल या पूरा सेटअप तैयार कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।